देश की राजधानी दिल्ली से सटे हरियाणा में सभी राजनीतिक पार्टियां चुनावी मोड में आ चुकी हैं। राज्य में सरकार चला रही भाजपा एक के बाद एक तबड़तोड़ घोषणाएं कर रही है, तो सत्ता में आने को बेकरार कांग्रेस बीजेपी पर वादा खिलाफी, महंगाई, भ्रष्टाचार, अग्निवीर, किसानों को गुमराह करने का आरोप लगाकर लोगों के बीच में जा रही है। बीजेपी और कांग्रेस के अलावा इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाजवादी पार्टी का गठबंधन भी राज्य की सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतर चुका है। 4.5 साल तक बीजेपी के साथ मिलकर हरियाणा में सरकार चलाने वाली जननायक जनता पार्टी भी अकेले ही चुनावी मैदान में उतर रही। नमस्कार, मैं हूं शेख जूही, आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज। दिल्ली और पंजाब में सरकार चला रही आम आदमी पार्टी के नेता अपने मुखिया अरविंद केजरीवाल की गैरहाजिरी में लगातार हरियाणा के हलकों में लोगों के बीच पहुंच रहे हैं। पूर्व सांसद राजकुमार सैनी की लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी भी चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। कुल मिलाकर हरियाणा का चुनावी माहौल बेहद गर्म है और बीजेपी और कांग्रेस की सीधी लड़ाई वाले चुनावी माहौल में छोटी पार्टियां भी सेंध लगाकर चुनाव की गणित बिगाड़ सकती है। बीजेपी ने इस साल मार्च में पार्टी नेतृत्व में बड़ा बदलाव करते हुए कुरुक्षेत्र के सांसद नायाब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया था और ऐसा करके राज्य में पार्टी ने ओबीसी कार्ड खेला था। हरियाणा की राजनीति के जानकारों के मुताबिक ऐसा करके बीजेपी ने एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को खत्म करने की कोशिश की। लोकसभा चुनाव में पार्टी के खराब प्रदर्शन के बाद बीजेपी ने नायाब सिंह सैनी को फ्रंट फुट पर खेलने का आदेश दिया और इसके तहत सैनी लगातार एक के बाद एक बड़े ऐलान कर रहे हैं। सभी फसलों को राज्य सरकार द्वारा MSP पर खरीदे जाने का ऐलान उन्होंने बीते दिन ही किया है। वो उत्तरी हरियाणा से लेकर मध्यम हरियाणा और दक्षिण हरियाणा की सियासी जमीन को नाप रहे हैं। दूसरी ओर लोकसभा चुनाव में मिली जबरदस्त कामयाबी से कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता जोश में। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना है कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी। हरियाणा कांग्रेस में हुड्डा निर्विवादित रूप से सबसे बड़े चेहरे हैं। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए द नगरी न्यूज। शुक्रिया।